उमर और प्रतीक के बीच लड़ाई की शुरुआत दरअसल हुई थी संडे देर रात से, जहां प्रतीक और सिम्बा मिलके बार बार राजीव को ऑर्डर्स दे रहे थे और इसी वजह से राजीव प्रतीक से गुस्सा थे कि वो इस घर का कैप्टन नहीं है और कोई नहीं होता मुझे ऑर्डर देने वाला। जिस पे उमर और शमिता बार बार राजीव से कहते हैं कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। उमर राजीव को बार बार समझाता है कि जब तक तू उन्हें जवाब नहीं देगा वो लोग बार बार तुझे बुली करते रहेंगे और इसी कारण संडे रात को राजीव और प्रतीक के बीच जोरदार लड़ाई होती है, जहां राजीव प्रतीक से कहते हैं कि तू कोई नहीं होता मुझे काम बताने वाला, मैं अपने आप मेरा काम कर लूँगा। वही देर रात झगड़े के बाद शमिता और नेहा राजीव को समझाते हैं कि तू अपना स्टैंड ले, लेकिन बार बार किसी से झगड़ा मत कर, इससे तू अच्छा नहीं दिखेगा। और इसी वजह से मंडे दोपहर नेहा भी उमर से झगड़ती है कि तुम राजीव को प्रतीक के साथ लड़ने के लिए बहुत इंस्टिगेट करते हो। फिर नेहा राजीव से और प्रतीक निशान से ये डिस्कस करते हैं कि उमर की वजह से राजीव ने कल झगड़ा किया था और इसी वजह से दोपहर को वॉशरूम एरिया में प्रतीक उमर को बातों ही बातों में कहता है कि तुझसे कौन दोस्ती करेगा और इसी के साथ प्रतीक ने गाली भी दी, जिसके बाद उमर प्रतीक पे भड़कते हैं कि तू गाली किसको दे रहा है, जिसपे प्रतीक बार बार कहते हैं कि मैंने गाली तो बोली है लेकिन तुझे नहीं दी। जहां उमर भड़कते हुए कहते हैं कि अगर तुझे कोई गाली देता है तो तू शीशे तोड़ देता है और तेरे लिए अगर माँ बड़ी है तो मेरे लिए भी बहन बड़ी है, और इसी कहा सुनी में दोनों एक दूसरे को एक एक बार धक्का भी देते हैं। तभी बाकी घर वाले बीच में आके दोनों को अलग करते हैं और फिर जाके कहीं इन दोनों का झगड़ा शांत होता है। व्यूअर्स आपको बता दें कि मंडे लाइव फीड में देर रात तक प्रतीक बार बार उमर को समझाते हैं कि मैंने वो गाली तुझे नहीं दी थी, तो व्यूअर्स यहाँ कौन सही है और कौन गलत।